दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश वन विभाग सरदारपुर जिला धार में आयोजित 3 दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्री अश्विनी दीक्षित अनुभूति कार्यक्रम के कॉरिडोर एवं विकासखंड योग प्रभारी सरदारपुर ने बताया कि आज शासकीय कन्या उमा विद्यालय राजगढ़ एवं शासकीय बालक उमा विद्यालय राजगढ़ के छात्र छात्राओं ने की सहभागिता। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा स्कूल छात्र छात्राओं को अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से वन प्राणियों पर्यावरण संरक्षण को संरक्षित बनाए रखने के लिए वन परिक्षेत्र मालपुरिया कक्ष क्रमांक 382 सात पिपरिया रेंज सरदारपुर के जंग लात में घुमाकर विभिन्न तरह के पेड़ पौधों वन्य प्राणियों पक्षियों जानवरों नील गाय एवं टाइगर की जानकारी से अवगत कराते हुए विभिन्न माध्यमों जिसमें खेर के पेड़ जिससे कत्था बनाया जाता है, प्राकृतिक वृक्षों की जड़ों द्वारा संग्रहित किए जाते पानी के संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु किए जाते कार्यों के साथ अन्य तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। संपूर्ण कार्यक्रम माही रोपनी कंपनी बाग सरदारपुर में हुआ। उसके साथ ही बहुविकल्पीय एग्जाम लिया गया जिसमें प्रथम स्थान प्रथम डामेचा द्वितीय भोले नलवाया शासकीय बालक उमा विद्यालय राजगढ़ तथा तृतीय स्थान कुमारी अनुष्का दीक्षित ने प्राप्त किया। इस अवसर पर समस्त 120 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु सभी को श्री शैलेंद्र चौहान वन परिक्षेत्र अधिकारी सरदारपुर एवं KP मिश्रा डिप्टी रेंजर द्वारा शपथ दिलाई गई।